ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन रुख को कहेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने अगर पोर्ट्रेट पे क्लिक किया है तो आप देखें इफेक्ट, ये डिपेंड करेगा। यहाँ मैं आके रिवर्ट करता हूँ ताकि, क्योंकि मेरे पास जो मॉनिटर है एलसीडी, ये विड्थ के हिसाब से, तो विड्थ के हिसाब से है तो ये लैंडस्केप करेगा। आप देखें वापस उसने लैंड रिवर्ट किया, वापसी कर दी मैंने, तो ये लैंड। लिहाजा इस कमांड का इस्तेमाल करते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर लेता है खुद ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के दौरान ही, लेकिन अगर आप इनमें चेंजिंग करेंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी, जाहिर बात है कि ये टेक्निकल वर्किंग है, आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है कितना सपोर्ट कर रहा है उसे, तो ये लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप इसे वापस उसके डिफॉल्ट सेटिंग पे ही सेट कर दें। फिर नीचे जी कुछ कमांड है जो कि वर्किंग रिजल्ट्स पे हैं कि मल्टीपल डिस्प्ले, ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपको हासिल हो सकती है जब आपने अपने सिस्टम यूनिट के साथ कम से कम दो स्क्रीन को अटैच कर रखा। ज्यादा आप दो चार पांच कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो स्क्रीन जो है वो अटैच लाजमी होनी चाहिए। तो ये देखें नीचे डिटेक्ट का बटन है, यानी कि वो उनको पढ़ लें। तो अगर मैं क्लिक भी करूंगा तो वो देखें उसने कहा डिड नॉट डिटेक्ट एन अदर डिस्प्ले, कि उसे दूसरा कोई डिस्प्ले मिल नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले इन्हें अटैच आप करेंगे सेकंड स्क्रीन को, थर्ड स्क्रीन को, फोर्थ फिफ्थ स्क्रीन को, तो फिर आप इस कमांड से फायदा ले सकते हैं कि वो आपकी स्क्रीन वर्किंग जो है रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह वो डबलियन में बना देगा, वो पांचों स्क्रीन है, चार स्क्रीन है, तीन है, इनको आपके एलसीडी पे दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद ये नीचे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक तो वो बता रहा है मुझे कि आपके पास है डिस्प्ले वन ही है। ये देखिए मैं क्लिक भी कर रहा हूं तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी स्क्रीन वन ही है। यहां अगर टू होती तो लिस्ट में टू आ जाता, यहां थ्री होती थ्री आ जाती, लिस्ट में उस हिसाब से लिस्ट बढ़ती जानी थी। ऑटोमेटिक डिडक्टेबल है तो उसका फायदा हम ले सकते हैं उसके हिसाब से ताकि वर्किंग रिजल्ट हमें मिल सके। तो वन है, बाकी है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कि आपके सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो कितनी ताकत का मौजूद है। तो मेरे पास है जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन चिपसेट ये WDM 1.1 का मौजूद है, और उसका ये उसका मॉडल नंबर है कि कौन सा लगा हुआ, इंटेल जेन्युइन। और इसके बाद जी के डेस्कटॉप रेगुलेशन वो बता रहा है, एक्टिव सिग्नल रेगुलेशन बता रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी आपका जो एलसीडी स्क्रीन है वो किस ताकत पे सेटिंग पे वर्किंग में है या चल रही है। यहाँ कलर स्कीम भी दे रहा है आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू, और स्टैंडर्ड कलर स्पेस भी वो वर्किंग में जी, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज नीचे एसटीआर वो बता भी रहा है। इसके अलावा जी इसके अंदर जी के डिस्प्ले अडॉप्टर प्रॉपर्टीज आप मजीद देखना चाहें तो आपको यहाँ पे ये सहूलत फ्राहम करेगा अडॉप्टर की, उसके बारे में सारी कि आपका ग्राफिक कार्ड जो कंप्यूटर में लगा हुआ है वो कितनी ताकत का मालिक है। तो यहाँ पे जी 1695 MB ताकत का, ऑलमोस्ट मैं अगर कहूँ तो टू, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जी 1.5 जो MB वर्किंग रिजल्ट्स हैं, यानी 1.5 इनको अगर हम डिवाइड करें कि GB में देखना है तो 1.5 यानी 1.5 GB का ग्राफिक कार्ड मुझे सपोर्ट कर रहा है इस स्क्रीन पे। फिर है जी डेडिकेटेड, इसके अंदर 64 MB है। फिर डेडिकेटेड होता है कि इससे ऊपर अगर कोई ग्राफिक आया तो वो 64 आपको सपोर्ट कर देगा MB मजीद। और इसके अलावा यहाँ पे शेयर्ड सिस्टम मेमोरी है, तो आप देखें शेयर्ड सिस्टम मेमोरी का ये मतलब है कि आपको मजीद जरूरत पेश आ गई है तो फिर इतने MB वो मजीद आपको ग्राफिक्स की सहूलत फ्राहम करेगा। इससे ऊपर आ जाएगा तो आप अक्सर देखें कुछ ऐसी गेम्स होती हैं, ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो ना हम कहते हैं ये तो स्क्रीन पे रुक रुक के चल रहे हैं, तो वो क्या जी उसको ग्राफिक्स कार्ड जो है सपोर्ट प्रॉपर नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से फिर जैसे ये PUBG गेम है तो उसके लिए जी अच्छा ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है, तो फिर वो बेहतर है एक्सटर्नल कार्ड, ये इंटरनल कार्ड लगा हुआ है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर ही है बोर्ड के ऊपर,
तो इस वजह से ये सेटिंग है। आगे मॉनिटर के बारे में बताएगा, आगे कलर मैनेजमेंट है कि किस तरह वो वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो ऊपर देखें लाइन में, वो बता देगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड जो है काम कर रहा है। ये टेक्निकल मालूमात है, इन के अंदर आप अपने कंप्यूटर के बारे में ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से अगर मालूमात आपको चाहिए दरकार हो तो। फिर लास्ट है रिफ्रेश रेट लिखा हुआ। रिफ्रेश रेट जो है ये है कि आपका डिस्प्ले जो है ये किस तरह मोशन वर्किंग में, यानी कि स्क्रीन पे जो वीडियो है स्पेशली खास तौर पे, तो अगर जितना बड़ा ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा तो उसका फायदा है कि आपकी वीडियो में थरथराहट नहीं होगी, उतनी वो स्मूथली काम करेगी। लेकिन आप अपने रिफ्रेश रेट से हद से ऊपर जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि आपकी वीडियो जो है वो आपको डिस्टॉर्शन में या थरथराहट में ले आती है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जाहिर बात है कि आईज जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये जो वीडियो है ये प्रॉपर सही काम नहीं कर रही, शायद ग्राफिक्स का मसला है। तो ग्राफिक्स का मसला हमारे सिस्टम में फिर होता है जब आप यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है, लेकिन एक चीज मजे की बता दूं कि सिस्टम के पास ऑटो डिटेक्शन ऑप्शन मौजूद होती है। आपने जिस टाइप की LCD और ग्राफिक कार्ड उसके साथ वो मैच करके आपको सहूलत बना के दे देता है कि आपके LCD स्क्रीन ग्राफिक्स की इतना रिफ्रेश रेट है। तो अगर देखें यहाँ मैंने आगे क्लिक किया तो उसने जी 59.887 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, ताकत है उसकी, तो वो बता दिया ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 60 जो हर्ट्ज है वो इसका, यानी एक सेकेंड के अंदर ये 60 टाइम पल्स जो है वर्किंग में आती हैं। ये अक्सर आपने देख सुना होगा जी 24 फ्रेम है, 48 है, 60 फ्रेम है, तो उस हिसाब से ये सहूलतें आपको मिलती हैं। तो इस स्क्रीन पे भी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सहूलत मिलती है, जितनी जो है आपके LCD की ताकत बेहतर होगी यहाँ रिफ्रेश रेट भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट बेहतर होता जाएगा, और जितना वो कमजोर होगी स्क्रीन रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के हवाले से उतना ही रिफ्रेश रेट भी नीचे जाता है। ये ऑटो डिटेक्शन होती है, ये सिस्टम खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अब हम वापस चलते हैं जी, ये हमारी अब हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर जब हम आए डिस्प्ले पे तो हमें डिस्प्ले के मतलब सारी मालूमात जो है वो हासिल हो गई है। आप साइड पे देखें जी कि ये डिस्प्ले है, साउंड है, ये अभी फिलहाल मैंने क्योंकि डेस्कटॉप राइट क्लिक ये शॉर्टकट कमांड जो हिडन है उनके बारे में, तो उसमें डिस्प्ले सेटिंग की बात कहानी आई थी, तो इस कहानी को अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं कि अब